यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है प्रचंड जीत दर्ज करके भोपाल आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवराज जी आपको। और अब आगे की रूपरेखा क्या, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने कहा था कि 29 की 29 सीटों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएंगे, अब तो 29 जीत गए, आगे क्या? प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है ये। जनता उनके नेतृत्व पर ही विश्वास करती है, इसलिए 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। इतना प्यार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। बस जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। क्या कॉन्फिडेंस की वजह थी और 29 की 29 सीटें, क्योंकि पहले 14 में 27, फिर 19 में 28 और अब 2024 में 29 की 29 सीटें, क्या वो रिदम रहा है जिसकी वजह से ये सफलता मिली? प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया है। लोग भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और जनकल्याण की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने चलाई है, लोगों ने उनको समर्थन दिया है। तो ये शिवराज सिंह की है और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवराज जी आपको। और अब आगे की रूपरेखा क्या, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने कहा था कि 29 की 29 सीटों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएंगे, अब तो 29 जीत गए, आगे क्या? प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है ये। जनता उनके नेतृत्व पर ही विश्वास करती है, इसलिए 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। इतना प्यार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। बस जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। क्या कॉन्फिडेंस की वजह थी और 29 की 29 सीटें, क्योंकि पहले 14 में 27, फिर 19 में 28 और अब 2024 में 29 की 29 सीटें, क्या वो रिदम रहा है जिसकी वजह से ये सफलता मिली? प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया है। लोग भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और जनकल्याण की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने चलाई है, लोगों ने उनको समर्थन दिया है। तो ये शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता एक टिप्पणी।